अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। इस हफ्ते का ये आखिरी लाइव एपिसोड है और हम बना रहे हैं आज बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें। एक तो हम मटन से बिरयानी बनाना सिखाएंगे भोपाली स्टाइल, वेरी सिंपल, बहुत सारे मसाले नहीं हैं इसमें, और हम रायता भी बनाएंगे उसके साथ। और पहले हम बनाएंगे श्रीखंड एंड फ्यूजन। सो श्रीखंड आपको पता है दही का, टंगे हुए हंग कर्ट का दही का एक मज़ेदार सा मीठा होता है, काफ़ी हैवी होता है, थाली वगैरह आप खाने जाएं उसके बाद आपको मिलता है, ज़ाफ़रान और नट्स वगैरह उसमें होते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं आज ठंडाई श्रीखंड टार्ट, ठीक है। तो टार्ट जो होगा वो ठंडाई के मसालों के साथ होगा, मज़ेदार सा, और जो इसके अंदर फिलिंग जाएगी वो है इस श्रीखंड का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ एक ग्राइंडर है, उसमें हम सब चीज़ें डाल के, जो नट्स हैं हमने डालनी है, यूज़ करनी है, वो डाल के हम इसको पीस लेते हैं। उसके बाद फिर हम पूरा मिक्सचर फूड प्रोसेसर में डालेंगे, जल्दी से बन जाएगा आटा इसका इसका डो, तो फिर हम इसको बेलेंगे। मेरे पास यहाँ 8 से 9 इंचेस की एक इस तरह की पाई प्लेट या कीश प्लेट इस तरह की, ठीक है, ये मिल जाती है आपको, मैंने यहीं से ली हुई है, ये आराम से लूज़ बॉटम, तो आराम से पूरा टार्ट आपका बाहर आ जाएगा। इसमें हम रखेंगे और उसके बाद फिर इसको हम बेक करेंगे। बेक होके निकलेगा, एक आध घंटा आप ठंडा करिएगा, फिर जो श्रीखंड बनाया होगा उसको उसमें डालेंगे और सर्व कर देंगे कोई भी फ्रेश फ्रूट के साथ। तो मैं थोड़े से अनार के दाने लेके आई हूँ, वो हम स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़े से आप पिस्ते डाल दीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। अब ठंडाई, आपने ठंडाई पी होगी, उसका हम मसाला बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ कर दी थी, मैंने सिर्फ चावल प्लेन पानी में बॉईल कर दिए थे फॉर आर बिरयानी, और इसमें जो चीज़ें डालनी है वो हम बाद में करेंगे, सो दिस इज़ आर नेक्स्ट रेसिपी। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू बॉईल द राइस बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इट्स अ लॉन्ग रेसिपी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी। एक बड़ा टार्ट बनाएं या छोटे छोटे 10-12 टार्ट बनाना चाहें इस डो से, आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ बादाम है, बादाम को हम डाल देंगे ग्राइंडर में, उसके साथ साथ हम डालेंगे काजू और थोड़े से पिस्ते फ्रॉम यर, ये थोड़े से मैं रखती हूँ डेकोरेशन के लिए, ठीक है जनाब, और इसको हम पीस लेते हैं, बादाम काजू पिस्ते। आपका फूड प्रोसेसर बहुत एफिशिएंट हो और हैवी पावर वाला हो तो आप उसमें भी सब कुछ साथ डाल देंगे तो पीस जाएगा, लेकिन आई डोंट वॉन्ट कि मुँह में बिल्कुल भी वो आए, बारीक पाउडर हो, इसलिए मैंने इसमें पीस लिया है पहले। आप बादाम का छिलका उतारना चाहें उतारें, नहीं उतारना चाहें ऐसे ही रखें। सो दिस इज़ आर मसाला, दिस आर आर नट्स फॉर आर ठंडाई मसाला जो टार्ट में जाएगा। आज ठंडाई भी बनाना सिखा चुकी हूँ, अलग से मैं आपको श्रीखंड भी बनाना सिखा चुकी हूँ, आज उसका हम टार्ट बनाएंगे, देखिएगा कैसे मज़ेदार सी कोई एक मुख्तलिफ सी चीज़ आपको मैं सिखाऊंगी आज। ओके, कमिंग बैक टू आर टार्ट, नाउ टार्ट के लिए मुझे मैदा चाहिए, ज़ाहिर है 1.5 कप मैदा है। सब कुछ हम डाल देंगे अपने इसमें, किसमें, अपने फूड प्रोसेसर में। अच्छा देखें, मैदा है 1.5 कप, फिर उसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे, इलायची का पाउडर जाएगा छोटी हरी इलायची का, दालचीनी का पाउडर जाएगा, सिनेमन, कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, नटमेग का पाउडर यानी जायफल का पाउडर जाएगा, ठीक है। फिर हम उसमें ठंडा मक्खन डालेंगे और ये बादाम काजू पिस्ते जो पिसे हैं वो जाएंगे, खोपरा जाएगा थोड़ा सा, और हम इसमें डालेंगे चीनी थोड़ी सी और पॉपी सीड्स यानी खशखाश, ठंडे पानी के साथ हम गूंदेंगे। सो मैदा, खशखाश, जिन मुल्कों में खशखाश अलाउड नहीं है तो नहीं डालिएगा, बादाम डाल दीजिएगा, बट दिस इज़ विद अ ठंडाई मिक्सचर, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस, ठीक है। खशखाश चली गई, कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी, खोपरा, दालचीनी का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, बहुत ही फ्लेवरफुल टार्ट का बेस बनेगा, नटमेग यानी जायफल पिसी हुई इस तरह पाउडर, मैं पाउडर फॉर्म में लेती हूँ, मिलता है यहाँ, फिर ये बादाम काजू और पिस्ते जो पिसे थे अभी वो, और थोड़ी सी चीनी, ये बहुत सारी है, थोड़ी सी जाएगी, और चुटकी भर नमक और मक्खन, अब आप इसको, मक्खन ठंडा होना चाहिए, हाँ फीका अनसॉल्टेड मक्खन ठंडा,
ये आप हाथ से भी कर सकते हैं, कांटे से भी कर सकते हैं, छुरी से भी कर सकते हैं, पेस्ट्री ब्लेंडर से भी कर सकते हैं बोल में. लेकिन देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये क्रम्स की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है. तो अब टाइम है ठंडा पानी डालने का. यक ठंडा पानी लीजिए, थोड़ा सा डालिए इसके अंदर और मिक्स करिए. पहले बहुत सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा. अच्छा, अब पानी और मज़ीद डालने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि ये फॉर्म हो रहा है कि नहीं. देखें, ये फॉर्म हो रहा है ना. अब पानी नहीं डालिएगा, ठीक है, और नहीं डालिएगा. बस ये निकालेंगे किसी भी डिश में, टिन में, किसी भी पाइप प्लेट में, किसी भी चीज़ में. ये मैदा आपको लगेगा कि थोड़ा है, तो दिस इज़ अ वेरी बिग टिन, आई यूज़ अ स्मॉलर वन, या किसी डिश में हम कर देंगे. ये हम करेंगे टार्ट का टिन, अगर कांच का हो उसमें भी आप कर सकते हैं. लगा दीजिएगा साइडों पे, बेस में पूरा, और फैला दीजिएगा इसके साथ. ये है रोलर, ये यहीं से मैंने लिया हुआ है. छोटा रोलर भी है, बड़ा वाला रोलर भी है. तो इस तरह आप देखें, इस तरह आप डोर अपने रखा और ऐसे करके आप करेंगे ना, तो आप पुश कर सकेंगे उसको एजेस तक, ठीक है. हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ की हीट नहीं लगनी चाहिए. हाथ में गर्माइश जो होती है उससे ही आपका टार्ट पिघल जाएगा, इसका मक्खन जो है वो पिघल जाएगा. सो रोलर इस्तेमाल करिएगा. चलिए, समझ आ गया आपको. इसको मैं थोड़ा सा गूंदूंगी, थोड़ा सा और मैदा छिड़क के किसी काउंटर के सरफेस पे या फिर पेपर पे. पेपर का मतलब होता है इस तरह का ग्रीस प्रूफ पेपर मार्केट में आपको मिलता है. अगर आप बहुत सारी बेकिंग करते हैं मेरी तरह, तो ला के रखिएगा. एम्प्रेस मार्केट में बड़े बड़े रोल्स मिलते हैं बहुत सारे. ला के उसको बेल दीजिएगा और फिर उसको ठंडा करिएगा. ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें मक्खन को ठंडा ही रखना है. ओवन को हमने प्रीहीट कर दिया है, ठीक है जी. ये समझ आ गया सबको. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज़ विल टेक अ ब्रेक. ब्रेक से आके मैं दोबारा टार्ट का बेस आपको समझाऊंगी, फिर हम श्रीखंड बनाएंगे. टार्ट को बेक करेंगे, और कैसे बेक करेंगे आपको पता है, जब भी मैं बेक ब्लाइंड करती हूँ, यानी कोई फिलिंग के बगैर किसी चीज़ को बेक करते हैं, उसको कहते हैं बेक ब्लाइंड. तो मेरे पास यहाँ मेरे ट्रेजर्स हैं. ये लोबिया हैं जो मैं बरसों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ. ये आप उसके ऊपर डालेंगे. उसके ऊपर डालने के बाद आप उसको बेक करेंगे ताकि पेस्ट्री राइज ना हो. हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक. आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. डोंट मिस आउट दीज लवली टू रेसिपीज जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ फूड डायरीज में. और देखते रहिए मसाला टीवी. वेलकम बैक. देखिए, मैंने पूरा का पूरा जो ठंडाई टार्ट का डो है उसको इस पाइप प्लेट में रख दिया है, ठीक है. ये रोलर इस्तेमाल करें या हाथों से करें, इसको स्मूथ कर दीजिएगा. इस तरह स्मूथ कर दीजिएगा, और फिर आपने देखना है कहीं से मोटा हो तो पतला इसे हाथ से कर दीजिएगा प्लीज़. और अब इसको हम कांटे के साथ प्रिक करेंगे. ऐसे करके ठीक है, पेपर लेंगे, इसको ऐसे स्क्रंच कर देंगे और फिर इसको खोलेंगे और इसको ऐसे करके रखेंगे. और इसमें ना ये जो बीन्स हैं, लोबिया, चावल, दाल, कोई भी भारी चीज़ या आपके पास सेरेमिक बीन्स हो, वो ये हम थोड़े से इस पर डाल देंगे ताकि इसका वेट ऐसे रहे, फ्लैट रहे और ये राइज नहीं हो. हमें इसको राइज नहीं करना है बेकिंग के वक्त, ठीक है जनाब. समझ आ गई. ये आपने जाके अब अवन में रख देना है, ठीक है. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका फिलिंग बनाएंगे. फिलिंग के लिए मेरे पास है यहाँ 2 कप से थोड़ा ज़्यादा 2 किलो दही लिया था, उसको टांग के रख दीजिएगा. आप टांगेंगे ना जब आप, तो इस तरह का ये हंकर्ड रेडी हो जाएगा. ये देखें, ठीक है. पानी नहीं है इसमें बिल्कुल, पूरा पानी आपने इसमें से निकाल देना है. और आप इसको मिक्स करेंगे विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हियर. ये है वो दही. बाज़ वक्त बहुत सारा पानी निकल जाता है ना. यू कैन सी कि वो टार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा है. हम बना देंगे श्रीखंड ऐसे ही. अब उसमें जाएगा चीनी, 1 कप पूरी चीनी है ये. फिर इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़े से पिस्ते बाद में जाएंगे. ज़ाफ़रान एसेंस या ज़ाफ़रान आप डाल दीजिए, और पीला रंग. ठीक है, मिक्स कर दें हर चीज़. दैट्स इट.
देसी डिज़र्ट्स, जब लोग कहते हैं ना हमें देसी डिज़र्ट खाना है, तो हर दफ़ा शाही टुकड़ा नहीं बनाइएगा, कुछ अलग मुख्तलिफ इस तरह का भी बनाइएगा. नाउ आई नीड टू एड लिटिल बिट मोर रंग, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो पहले ज़्यादा नहीं डालते हैं, ठीक है? पहले हमेशा कम डालते हैं रंग. अतिया हैं कराची से, उनसे बात करते हैं. जी आप हेलो. कैसी हैं? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ. और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करती हो. थैंक यू. आमतौर पे बेकिंग तो बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच. और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो. बहुत मुश्किल से कॉल लगती है आपके प्रोग्राम में. आपकी तरह चाहने वाले ट्राई करते रहते हैं ना हमारी कॉल, तो लाइन एंगेज रहती है. सुनिए, आज का कोई सवाल? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा. अच्छा चलो सही है, कोई बात नहीं. वैसे ये शो के लिए अच्छा रखा हुआ आपने. क्या शो के लिए जूसर रखा हुआ ना? हाँ ऐसे ही रखा, आज हमने ऐसे ही रखा है. अच्छा लग रहा है. अच्छा ऐसे कहते हैं कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेट करिए, सोचिए कि ये मेरा हो सकता है. कभी विन कर लेंगे अगले हफ्ते, शायद आपका हो सकता है. कह रहे इंशाल्लाह फिर विन कर. बिल्कुल क्यों नहीं. ओके जी थैंक यू सो मच. चलिए पिस्ते हैं, बादाम है, जो भी आपको डालना है, थोड़े से पिस्ते अंदर चले जाएंगे. एंड व्हाट यू डू इज यू जस्ट मिक्स अप एवरीथिंग टुगेदर, यू डोंट नीड द बीटर नाउ. ठीक है जनाब. एंड वो जो मुझे वो है ना ऑब्सेशन की सारी चीज़ें इसमें से खाली करनी होती हैं फ्रॉम द बीटर, वो हम कर लेंगे अभी द रिचुअल. और जो टार्ट है वो हमारा बेक हो रहा है. टार्ट में क्या क्या चीज़ें डाली थी वो मैं आपको पूरा रिकैप अभी करती हूँ. ज़रा इसको मैं थोड़ा फ्रिज में रख दूँ ठंडा होने के लिए. टार्ट गर्म हो तब बिल्कुल ये ठंडा ठंडा श्रीखंड नहीं डालिएगा, ठीक है? बिल्कुल पूरा फैल जाएगा. लेकिन अब आई एम होपिंग कि जल्दी से ये बेक हो जाए और ठंडा हो जाए. 15-20 मिनट तो इसको लगेंगे. इट वॉज़ अ थिक टार्ट. अगर मैं उसको वो बड़े 9 इंचेस के टिन में निकालती ना जो मैं घर से लाई थी, वो बहुत पतला फिर हो जाता. सो इसलिए मैंने इसमें किया है. पाइप प्लेट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बस नीचे से लूज बॉटम नहीं है तो निकलेगा नहीं. लेकिन कोई बात नहीं, आप चले ये हो गया. अब हर चीज़ मिक्स कर दीजिए. दिस इज़ योर श्रीखंड रेडी. अब आप इसको चख लीजिए. अगर आपको लगता है कि कम है इसमें इलायची या पाउडर या ज़ाफ़रान या रंग, आप फिर खुद डाल दीजिएगा, ठीक है? हंग कर्ड लीजिएगा प्लीज़. चखेंगे हम भी. ऐसे करिए, ब्रेक में एक बोल ले आइए, बोल भर के खा लूँ. इतनी मुझे भूख लग रही है, मैं नाश्ता करना भूल गई हूँ. चलिए दिस विल गो इन आवर फ्रिज. जितनी देर आप उसको टांग के रखेंगे दही को और पानी निकलता जाएगा, उतना ही मज़ेदार आपका गाढ़ा सा श्रीखंड बनेगा. प्लीज़ ये याद रखिएगा. श्रीखंड के लिए मैंने ये टांगने के बाद 2 कप दही था, 1 कप चीनी थी पिसी हुई, 1 टीस्पून छोटी हरी इलायची का पाउडर था. ज़ाफ़रान डालें या ज़ाफ़रान का एसेंस डालें, और येलो रंग मैंने डाला था, पिस्ते बादाम जो भी आपको डाल रहे हो. डाल के बीट करके मिक्स करके रख दीजिएगा. उसके बाद आप उसको जब ये टार्ट ठंडा बिल्कुल हो जाएगा तब उसके ऊपर लगाइएगा. और यहाँ बादाम है, फ्लेक्ड आमंड्स हैं, ठीक है? ये मिल जाते हैं आपको ड्राई फ्रूट वाले की दुकान के पे. ये हैं स्लिवर्ड पिस्ते और ये अनार है. कोई भी फ्रूट ड्राई फ्रूट्स के साथ सजा के पेश कर दीजिएगा. टार्ट के बेस के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया, फूड प्रोसेसर में डाल दिया. चुटकी भर मैंने उसमें नमक डाला, 2 चमचे भर की पिसी हुई चीनी डाली, और मैंने इलायची पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, और मैंने दालचीनी का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें, नटमेग का पाउडर, ठीक है? और 5 चमचे भर के फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 1/4 कप ग्रेटेड कोकोनट, या फिर नारियल का बुरादा दे लें. मैंने नारियल का बुरादा लिया था. और जो मैंने स्टार्टिंग में बादाम, काजू और पिस्ते पिसे थे वो भी पीस के डाल दीजिए. 1 टीस्पून खसखास उसमें जाएगा. और आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको गूंद के रख दीजिए 1-1.5 घंटा. निकालिए, क्लिंग फिल्म में रैप करके रख दीजिएगा. निकालिए फ्रिज में से, बेल दीजिए पतला सा, और उसको डिश में, टिन में, पाइप प्लेट में, कीश के टिन में, किसी भी चीज़ में आपको बेक करना हो उसमें रख दीजिए. फिर उसको कांटे से प्रिक करिए ताकि वो राइज ना हो. एक पेपर रखिए, ग्रीस प्रूफ पेपर. लोबिया डाल दीजिए, दाल, चावल, कोई भी भारी चीज़ ऊपर डाल दीजिए. अवन में बेक होने के लिए रख दीजिए. ये टार्ट का बेस जब बेक होके आएगा, मज़ेदार सा ठंडाई का उसमें फ्लेवर होगा, वो उसको आप जाली पर रख दीजिए ताकि नीचे से भी हवा लगे, वो ठंडा हो जाए. जब वो ठंडा हो जाएगा तब जो श्रीखंड हमने बनाया है वो उसके ऊपर हम भर देंगे पूरा, और हम इसको चिल कर देंगे, और ऊपर से ये बादाम, पिस्ते, अनार वगैरह डाल के पेश कर देंगे. फातिमा है कराची से, उनसे बात करते हैं. जी हेलो.
अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है. बहुत शुक्रिया. और आपकी रेसिपीज भी ट्राई की, बहुत अच्छी बनती हैं. थैंक यू. और आपकी बेकिंग तो बहुत इजी होती है. जी बेकिंग इज इजी. मुझे आपसे फरमाइश करनी थी. जी. एक तो आप कीश बनाना सिखा दें. कीश? कितनी दफा कीश बनाना सिखा चुकी हूँ. और एक आप पिकन पाए बनाना सिखा दें. चिकन पाए? पिकन पाए. पीकन पाए? देखिए पीकन्स पहली बात तो यहाँ मिलती नहीं है. मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं और बहुत कम अरसे के लिए आती हैं. तो आप वॉलनट पाए की रेसिपी को उसी तरह पीकन पाए के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अच्छा. मैंने वॉलनट पाए कराया है ब्राउन शुगर वगैरह के साथ, उसी तरह बनाइए लेकिन पीकन्स डाल दीजिए वॉलनट्स की जगह. ठीक है. और आज आपका कोई सवाल है? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी. इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. ओके नाउ, अभी मुझे चावल को उबालना था लेकिन चावल को मैंने पहले पानी में डाल के उबाल दिया था. थोड़ा सा गरम मसाला साबुत डालना है और नमक डालना है, जो कि आई विल जस्ट डू इट नाउ. ठीक है जी. थोड़ा सा ये नमक है, नमक डाल देते हैं इसमें. और पानी को हमें निथार देना है. तेज़पत्ता है और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं जी. ये काली मिर्चें हैं, तेज़पत्ता और नमक के साथ आपने पानी डाल के चावलों को उबाल दिया. चावल जब उबाल आ जाए तो फिर आप उसको छान लीजिएगा, विच आई हैव टू डू नाउ. और फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, गोश्त के साथ क्या करना है, मसाले कैसे पिसेंगे. हम भोपाली बिरयानी बना रहे हैं मटन के साथ आज. बीफ के साथ बना सकते हैं आप, चिकन के साथ बना सकते हैं. मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, क्लीन अप करते हैं. स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज. जी वेलकम बैक. आप देख रहे हैं फूड डायरीज और हम ठंडाई का जो बेस था टार्ट का वो बेक कर चुके हैं. ठीक है, हो रहा है. अभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. और जो श्रीखंड बनाया था उसका फिलिंग वो फ्रिज में जा चुका है. और हम अब शुरू कर रहे हैं द बिरयानी. तो उसके लिए मैंने तेल यहाँ गर्म कर लिया था और मैंने दो बड़े प्याज आप स्लाइस करके डाल दीजिएगा. उनको हम फ्राई करेंगे. जब तक वो हो रहा है तब तक हम साबुत गर्म मसाला पीस लेते हैं फॉर द बिरयानी मसाला. ओके, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये है तेज़पत्ता यानी बे लीफ. फिर इसमें हम डालेंगे जावित्री यानी मेस. ये है मेस का क्या ब्लेड इस तरह का होता है. ठीक है, समझ आया? ये चला गया. फिर इसमें साबुत गरम मसाले में देखें लौंग है, छोटी इलायची है. ये बड़ी वाली इलायची होती है, ये छोटी वाली इलायची होती है. आप लोग सोचेंगे मैं क्यों दिखाती रहती हूँ. दिस इज़ फॉर ऑल दोज यंग शेफ्स हु जॉइन अस नाउ. बड़ी इलायची, छोटी हरी इलायची, लौंग है, दालचीनी है, छोटी छोटी सारी चीज़ें. मिक्स गरम मसाला डाल दिया आपने और आपने इसको ग्राइंड कर दिया. ओके ठीक है. अगेन वील हैव टू ग्राइंड दिस. ये मशीन्स जो है ना मेरे साथ मजाक करते हैं. घी में या तेल में आप प्याज को तल दीजिए. अगर आपको इसको थोड़ा सा और डाइट कॉन्शियस करना है तो तेल, मेरी तरह जब मैं घर में पकाती हूँ तो ये सारा जो तेल होता है वो मैं छन्नी के थ्रू छान लेती हूँ ताकि एक्सेस तेल, मुझे नहीं अच्छा लगता है एक्सेस तेल किसी भी चीज़ में. ओके, अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ. देखिए तेल गरम किया, उसमें प्याज डाली स्लाइस की हुई, उसको फ्राई कर दिया. तब तक आपने गरम मसाला जो साबुत था वो आपने पीस लिया, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्चें, लौंग डाले थे हमने. ठीक है, और जावित्री था. अब इसके अंदर हम क्या मिक्स करेंगे, पहले तो मैं इसको छान लूँ, बिकॉज मुझे ना मसाला मुंह में आता है ना वो नहीं अच्छा लगता. सो आई एम गोइंग टू छानो फाइट. ये देखा आपने, ये सारा मुंह में आएगा वरना. ओके, अब इसी में हम डाल देंगे नटमेग यानी के जायफल. आरिफ वाला से हुमेरा हैं जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया. जी
आरिफ वाला कितना दूर है फैसलाबाद से? जी आरिफ वाला साहिवाल के नजदीक है, पाकिस्तान में साहिवाल के नजदीक। साहिवाल में है, दूर है ना, फिर नहीं आ सकेंगी ना आप मिलने हमसे। जी जी काफी दूर है, चार क्या कर सकते हैं अभी देखें, वरना मैं कहती कि आ जाइए संडे को हमसे मुलाकात करने। आपकी काफी सारी केक ट्राई की है और आइसक्रीम ट्राई की, बहुत अच्छी बनती है और एक दो सवाल है मेरे आपसे। जी शुक्रिया, थैंक यू जी, करिए सवाल क्या है। हम केक बनाते हैं और उसमें जो क्रीम के फूल बनाते हैं उसके ऊपर वो डिजाइनिंग वगैरह करती है, तो और से वो कलर कहाँ से मिलेगा जो एडिबल कलर होते हैं ना केक में, क्या करते हैं जब क्रीम केक बना के फूल ऊपर बना के डालती है ना केक के ऊपर? सालिक फूल आवाज नहीं आ रही मुझे कुछ भी, केक में क्या, मुझे पूछ के बताइए क्या पूछ रही है ये, केक में डेकोरेशन का कुछ पूछ रही है शायद आप बात करिए। अच्छा चलिए, मसाला हमने पीस लिया है और अब हमने क्या करना है देखें, यहाँ क्या क्या चीज़ें और हैं। वंस द अनियन इज़ ब्राउन इनफ ना, फिर हम उसमें अदरक लहसुन डालेंगे, दही जाएगा उसमें, गोश्त है यहाँ 750 ग्राम्स जितना, मटन है ये, ठीक है, उसको बॉयल करके मैं ले आई थी हल्का सा, तो ये सूप इसका मैंने अलग किया हुआ है, और दूध है उसके अंदर हम ज़ाफ़रान डालेंगे, थोड़ा सा केवरा वाटर है, नमक जाएगा, दैट्स इट, और ये ऑफकोर्स मसाला जाएगा, ठीक है, और खुशबू आ रही है, वहाँ चलते हैं फिर एंड उसको देख लेते हैं टार्ट को प्लीज़, ये देखें नज़र आ रहा है, या नाउ व्हाट वी विल डू, जब ऐसे हो ना कि आपको लगे कि टार्ट हमारा ऑलमोस्ट डन है तो इसको थोड़ी देर और हम बेक करेंगे, वो किस तरह करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। निकालेंगे इसके ऊपर जो पेपर है पूरा वो हटा देंगे, इसके ऊपर जो बीन्स हैं वो भी हटा देंगे, और फिर हम अच्छा अच्छा केक के ऊपर जो फ्लावर्स बनाते हैं उसके एडिबल रंग कहाँ से मिलते हैं? अब मुझे नहीं, आपके शहर का नहीं मालूम जी, लेकिन यहाँ तो आपको मिल जाते हैं, और अगर आपको चाहिए तो बेकर्स पैराडाइज वगैरह ये इस तरह के जो ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर्स हैं ना उनसे रब्ता करें फेसबुक पे, और वो आपके घर पर डिलीवर करवा देंगे, ठीक है, ये मैं मुझे पता है कि हर जगह पूरे पाकिस्तान में वो लोग डिलीवर करते हैं। इसको कहते हैं बेक ब्लाइंड करना, ठीक है, इस तरह फिलिंग के बगैर बेक करना, बेक ब्लाइंड करना कहलाया जाता है। ये जो बीन्स हैं ठंडे हो जाएंगे, दोबारा मेरे जार में चले जाएंगे, सो यू कीप यूजिंग देम, ख़राब थोड़ी होते हैं। चले ये प्याज हमारी हो गई, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, और फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे और ये मसाला डालेंगे, मसाला इसी में डाल देते हैं, आप कच्चा गोश्त डालेंगे ऑब्वियसली मसालों के साथ, आप गोश्त को अच्छी तरह भून लीजिएगा। और उसमें आप इस वक्त दही भी शामिल कर दीजिएगा, और ये याद रहे बहुत सारा दही नहीं हो, और जो सूप बचा है उसका वो बहुत सारा मैं नहीं डालूंगी, वरना क्या होगा बहुत ज़्यादा वो पानी पानी होगा, तो फिर बिरयानी में चावल के साथ मिक्स होके और मज़ीद वो हो जाएगा। अब इसको हम भूनने के लिए छोड़ देते हैं, नमक हमने नहीं शामिल किया था वो करेंगे, गोश्त को सिर्फ मैंने पानी में उबाला था, ओके प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये सब चीज़ें चावलों के साथ जाएंगी। मैं ऐसे करती हूँ केवड़ा के साथ ही मैं ज़ाफ़रान एसेंस भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, इसी में डाल देते हैं इस तरह, और इसमें थोड़ा सा हम दूध भी शामिल कर देते हैं, सो जिसका काम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो टार्ट जो है उसको भूलिएगा नहीं, बिकॉज इस स्टेज पे वो जल सकता है, तो उस टार्ट को हम निकालेंगे, जाली पे रखेंगे, टाइम नहीं है, जितना हो सकेगा हम उसको ठंडा करेंगे, फिर उसके ऊपर वो पूरा श्रीखंड का मिक्सचर जो है वो लगा देंगे, और यहाँ है अनार है और बादाम है, पिस्ते हैं, वो सजा के पेश कर देंगे, ठीक है। आप लोग उसको ठंडा होने के लिए एक दो घंटे रख दीजिएगा जाली पे, जब तक ये यहाँ गोश्त हम ज़रा मसालों में दही में उसको मिक्स कर रहे हैं, तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, गोश्त को अच्छी तरह आप गला दीजिएगा, भून लीजिएगा मसालों के साथ दही के साथ, फिर आप स्टॉक
या पानी डाल दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा स्टॉक डाला था, और बहुत सारी ग्रेवी नहीं रखिएगा, ठीक है। फिर जो चावल बॉईल किए थे साबुत गरम मसाले के साथ, उसको हमने अंदर डाल देना है। आप लेयर जिस तरह भी करिए, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड देम ऑन टॉप राइट नाउ, एंड इसके ऊपर धनिया, पुदीना और दूध, जिसके अंदर मैंने केवरा वाटर और ज़ाफ़रान का एसेंस डाला था, ये देखें, ये पीला रंग आप डालना चाहें पीला रंग डाल दीजिए, ब्राउन प्याज है ये, और धनिया पुदीना है, ठीक है जी। ये सब कुछ हो गया, अब आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए दम पे। जब ये हो जाएगा तो इसको हम डिश में निकालेंगे और सर्व कर देंगे एक रायते के साथ, जो कि मैं अभी बना रही हूँ आपके सामने। यहाँ दही है, उसमें हम चॉप किया हुआ पुदीना डाल देंगे, ठीक है, चॉप की हुई छोटी सी एक प्याज है वो डाल देंगे। हर दफ़ा कुछ ना कुछ रायते में भी चेंजेस करते करते चलिए, इसलिए कि मैंने आपको कितने सारे रायते बनाना सिखाए हैं। ये ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा जाएगा, और ये एक खीरा है चॉप किया हुआ छोटा, ठीक है, डन। मिक्स मिक्स मिक्स, और बोल में निकाल देंगे। ठंडाई टार्ट ज़रा मुलायजा फरमाइए हमारे टेबल पे प्लीज़, ये देख लीजिए इस तरह बेक्ड होना चाहिए, अच्छा सा कच्चा ना रहे। और अब इसको आपने बिल्कुल ठंडा करना है, ठंडा होने के बाद आप इसके ऊपर वो श्रीखंड डालेंगे जो फ्रिज में ठंडा हो रहा है, और हम सर्व करेंगे आपको डेकोरेट करके बादाम पिस्ते और अनार के साथ। योर रायता इज़ रेडी, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस, ज़रूर बनाइएगा, प्लीज़ ट्राई करिएगा सारी रेसिपीज़। और जो फैसलाबाद आ रहे हैं लोग हमसे मिलने और क्लासेस अटेंड करने, उनसे हमारी मुलाकात संडे को यानी 15 तारीख को दिसंबर की होगी, परसों, और हम लोग कल आ रहे हैं और हम लोग मंडे तक वहीं होंगे, तो आप देखिएगा, फिर हम दिखाएंगे भी आपको, वो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे भी किसी दिन, ठीक है। चलिए अब क्या करें, मैं इसको निकालूं। We have to work quickly. Obviously, आपको पता है कि वक्त कम मुकाबला सख्त, so I have to do this. खुशबू, इस टाइम पे मुझे भूख लगती है, so what we do is we just mix the rice. और मैं इसको निकालती हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको टार्ट कैसे डेकोरेट करेंगे वो सिखाएंगे, so stay tuned. भोपाली बिरयानी, बिरयानी के अज्जा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, मटन 750 ग्राम, दही 1 कप, तेज पत्ते 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, हरी इलायची 3 अदद, जायफल चुटकी भर, काली मिर्चें 6 से 7 अदद, जावित्री 2 अदद, नमक हस्पे जायका, स्लाइस प्याज 3 अदद, बड़ी चावल 2 कप, तेज पत्ता 1 अदद, काली मिर्चें 3 से 4 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, नमक हस्पे जायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान चंद रेशे, नीम गर्म दूध 1 खाने का चमचा, चॉप पुदीना चंद पत्ते, चॉप धनिया चंद पत्ते, तली प्याज हस्बे ज़रूरत। रायते के लिए दही 1 कप, कटा खीरा 1 अदद, चॉप प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप पुदीना हस्बे ज़रूरत। तरकीब, बिरयानी के लिए तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, उसके बाद ग्राइंडर में तेज़पत्ता, हरी इलायची, काली इलायची, लौंग, जायफल, काली मिर्ची और जावित्री डालकर पीस लें और एक तरफ रख दें। फिर ज़ाफ़रान के रेशे नीम गर्म दूध में घोल कर रख लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, साथ ही मटन डालकर सौते करें, फिर इसमें थोड़ा पानी शामिल करके पकाएं कि वो गल जाए। एक अलग पैन में 5 से 6 कप पानी डालकर इसमें तेज पत्ते, काली मिर्चें, लौंग और नमक शामिल कर दें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें चावल डालकर 3/4 पका लें, फिर छान कर प्लेट में फैला दें। असम्बल के लिए पैन में पहले आधे चावल डालें, फिर मटन, पुदीना, तली प्याज, दोबारा मटन और चावल शामिल कर दें, ऊपर केवड़ा वाटर और ज़ाफ़रान वाला दूध डालकर 10 से 15 मिनट दम पर रख दें। आखिर में पुदीना, हरा धनिया और ब्राउन प्याज से गार्निश करके रायते के साथ सर्व करें। रायते के लिए बोल में दही फेंट कर इसमें खीरा, प्याज, नमक और पिसा जीरा शामिल करके मिक्स कर लें। ठंडाई श्रीखंड टार्ट, श्रीखंड के अज्जा, पानी निकले दही 2 कप, कस्टर्ड शुगर 1 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 6 रेशे, पिस्ते और बादाम 1/4 कप। टार्ट के लिए मैदा 1.5 कप, नमक 1 चुटकी, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1 चुटकी, फीका ठंडा मक्खन 5 खाने के चमचे,
कद्दूकश नारियल एक चौथाई कप, छिले ब्रांच बादाम दो खाने के चमचे, काजू दो खाने के चमचे, पिस्ते दो खाने के चमचे, खशखाश एक चाय का चमचा, चीनी एक चौथाई कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, फिलिंग और टॉपिंग के लिए श्रीखंड दो कप, गार्निश के लिए पिस्ते हस्बे ज़रूरत, मिक्स फ्रूट हस्बे ज़रूरत। तरकीब, श्रीखंड के लिए दही को मलमल के कपड़े में डालकर चंद घंटे लटका कर छोड़ दें कि सारा पानी निकल जाए। अब पानी निकली दही में ज़ाफ़रान, चीनी, पिसी इलायची और नट्स डालकर मिक्स करें और 5 से 6 घंटे फ्रिज में रख दें। टार्ट के लिए बादाम, पिस्ते और काजू पीस लें, फिर इन्हें बाकी अज्जा के साथ मिक्स करके गूंधें के क्रम्प की तरह मिक्सचर बन जाए। थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर गूंधें के डो बन जाए। जब डो बन जाए तो उसे क्लिंग फिल्म से ढककर 30 मिनट फ्रिज में रख दें। अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। फ्रिज से डो निकालकर काउंटर पर मैदा छिड़क कर डो बेल लें, फिर इसे टार्ट मोल्ड में लगाकर कांटे से निशान लगाएं। अब इसके ऊपर ग्रीस प्रूफ पेपर लगाकर चावल या बीन्स रखकर 20 मिनट बेक करें या जब तक वो गोल्डन ना हो जाए। टार्ट बेक हो जाए तो निकाल के ठंडा कर लें, फिर इस पर श्रीखंड का मिक्सचर डालकर ऊपर मिक्स फ्रूट, पिस्ते और पिसी जायफल डालकर सर्व करें। भोपाली बिरयानी, बिरयानी के अज्जा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, मटन 750 ग्राम, दही 1 कप, तेज पत्ते 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली इलायची 2 अदद, हरी इलायची 3 अदद, जायफल चुटकी भर, काली मिर्चें 6 से 7 अदद, जावित्री 2 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, स्लाइस प्याज 3 अदद, बड़ी चावल 2 कप, तेज पत्ता 1 अदद, काली मिर्चें 3 से 4 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, केवड़ा वाटर 1/4 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान चंद रेशे, नीम गर्म दूध 1 खाने का चमचा, चॉप पुदीना चंद पत्ते, चॉप धनिया चंद पत्ते, तली प्याज हस्बे ज़रूरत। रायते के लिए दही 1 कप, कटा खीरा 1 अदद, चॉप प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चॉप पुदीना हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। देखें टार्ट अभी थोड़ा वार्म है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ये आपके सामने करना है। सो लेट्स पुट द श्रीखंड इन। चम्मच से स्प्रेड कर दीजिएगा आप, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनेगा। प्लीज़ आप ट्राई करिएगा ज़रूर, ठीक है। और आप इसको किसी भी फ्रूट के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा, सिर्फ नट्स के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा। मैं क्या करूँगी, मैं डालूँगी थोड़े से पिस्ते, अब मैं डालूंगी अनार, जरूरी नहीं है हर दफा पूरा पूरा भरें, थोड़ा सा जगह खाली भी रखेंगे, नजर भी तो आए ना क्या है। यह है आपका आज का ठंडाई टार्ट। इसका बेस जो है ठंडाई के मसालों के साथ मैंने बनाया है और इसके ऊपर हमने श्रीखंड, तो दो चीजें आपने साथ कंबाइन की हुई हैं। बेसिकली देखने को अगर जाएं तो देर आर टू थिंग्स इन माय डिज़र्ट, एक ठंडाई भी है और एक है श्रीखंड, ठीक है। और अब पिस्ते बादाम जो है दैट विल गो लाइक दिस, किसी भी तरीके से कर लें आप, एनी वे यू लाइक। डन। और आज रिदा क्या बना रही हैं, कढ़ाई मछली, चॉकलेट रोल और स्पेशल चिकन सूप तड़का में जो है नेक्स्ट हमारा लाइव शो। सो दिस इज़ योर द रेसिपीज़ फॉर टुडे। आई होप आपने ये तीनों रेसिपीज़ आज की नोट की होंगी, बनाएंगे ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। आज का शो रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर लिया हो तो रात में ज़रूर देख लीजिएगा। और सैटरडे संडे भी दोपहर में 1 बजे हमारा पीर और जुमा पीर और मंगल का शो चलता है, ठीक है। और अब मुलाकात होगी आपसे मंगल को लाइव शो में, मंडे को हमारा रिकॉर्डेड शो चलेगा बिकॉज हम फैसलाबाद में होंगे, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा, मैंने बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ रिकॉर्ड की हैं आप लोगों के लिए।
सो इसी तरह अब फैसलाबाद वालों से हम मुलाकात करेंगे संडे को 15 दिसंबर को अवारी एक्सप्रेस में. वहाँ कुकिंग क्लास है, बहुत ही रीजनेबल रेट्स हैं, खाना भी है, टी भी है, मज़ा भी होगा. हमारे साथ गपशप करिएगा, ऑटोग्राफ्स लीजिएगा, तस्वीरें खिंचवाइएगा, कुकिंग सीखिएगा हमसे. और अवारी के भी 3 शेफ्स हैं, ठीक है. तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त. जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. खुदा हाफिज़.